हे गाइस, हमने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑफिशियल डब्ड ट्रेलर्स, जहां पर आप सभी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल डब्ड ट्रेलर्स यानी कि हिंदी में, तमिल में और तेलुगु में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। Goosebumps 2 Haunted Halloween दूसरी पार्ट है Goosebumps मूवी सीरीज में। पहला पार्ट जिसका टाइटल था Goosebumps रिलीज हुआ था 2015 में, जिसको डायरेक्ट किया था रॉब लेटरमैन ने। दूसरे पार्ट को भी यही डायरेक्ट करने वाले थे, बट क्योंकि ये अब ऑलरेडी डिटेक्टिव पिकाचू मूवी पे काम कर रहे हैं तो इसलिए इस मूवी को ये डायरेक्ट नहीं कर पाए। Goosebumps 2 Haunted Halloween को डायरेक्ट किया है एरी सैंडल ने, जिनकी लास्ट मूवी When We First Met, जो कि एक तरह की लव रोमांस टाइम ट्रैवलिंग मूवी थी, डीसेंट थी। Goosebumps और Goosebumps 2 दोनों ही मूवी बेस्ड है आरल स्टाइन की लिखी नोवेल पर। आरल स्टाइन बच्चों को लेकर काफी सारी नोवेल्स लिख चुके हैं, इंक्लूडिंग हॉरर फिक्शन नोवेल्स, और कई बार इनको राइटर स्टीफन किंग से भी कंपेयर किया गया है। Goosebumps के पहले पार्ट में हमने आरल स्टाइन का किरदार निभाते हुए देखा जैक ब्लैक को, जिनके लाइफ के बारे में हम जानते हैं कि कैसे और क्यों उन्होंने किताब लिखना चालू की और कैसे उनके किताब में लिखे सारे कैरेक्टर्स किताब खोलते ही जिंदा हो जाते थे। पहले मूवी में हमें स्लैपी से भी इंट्रोड्यूस कराया गया कि कैसे वो आरल स्टाइन की लिखी सभी किताबों के कैरेक्टर्स को जिंदा करते हैं, और हमने आरल स्टाइन को देखा कि कैसे वो स्लैपी से निपटते हैं। Goosebumps 2 Haunted Halloween की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर क्विन परिवार के सदस्यों को स्लैपी का सामना करना पड़ता है जब गलती से सोनी क्विन एक ऐसी किताब खोल देते हैं जिससे स्लैपी बाहर आ जाता है। अब स्लैपी के इस बार कुछ अपने ही प्लान्स हैं, और इस बार स्लैपी हैलोवीन के वक्त आया है और ये उन सभी हैलोवीन कैरेक्टर्स को जिंदा कर देता है ताकि वो इन सबको अपने परिवार का हिस्सा बना सके। मगर अगेन स्लैपी यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसे लिटरली एक माँ की जरूरत है, जहाँ पर ये कैथी क्विन को अपनी माँ बनाने की कोशिश करता है। अब इनके बच्चे सैरा और सोनी क्विन और इनके एक दोस्त सैम कैसे कैथी क्विन को बचाते हैं और इनफैक्ट कैसे अपने शहर को बचाते हैं इन जिंदा हो चुके हैलोवीन कैरेक्टर्स से, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये मूवी। सो आप कह सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कोई नई नहीं थी, जो चीजें बदली हैं वो सिर्फ एडवेंचर्स हैं। सो ओवरऑल इस मूवी को आपको इम्प्रेस करना था सिर्फ स्पेशल इफेक्ट से और एडवेंचरस सीन से। तो क्या ये मूवी आपको इम्प्रेस कर पाती है या नहीं उन सभी सीन से, लेट्स फाइंड आउट। इसका कॉस्ट्यूम तो सबके होश उड़ा देगा। Goosebumps 2 Haunted Halloween। मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हुई 26 अक्टूबर 2018 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में एंड ओनली इन 2D फॉर्मेट। स्टार्टिंग के आधे घंटे में हमें क्विन परिवार के बारे में बताया गया है, काफी अच्छे तरीके से, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया। आई मीन लाइक देयर आर नॉट मच सीन्स, बट आधे घंटे में आप स्मूथली मूवी देखते हैं और कहीं पर भी बोर नहीं होते। मूवी के एक घंटे तक पहुंचने के बाद में आपको एक से एक क्यूट सीन्स और एक से एक हॉरर सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे गमी बेस, अ बिग बलून स्पाइडर, बिग फुट एक्सेट्रा। ये मूवी सही कहूँ तो बड़ों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये प्योरली किड्स मूवी है, क्योंकि इसमें फन सीन्स है, कॉमेडी सीन्स है, ऐसा कोई हॉरर सीन्स नहीं है जिसको देख के आप डर जाए या जिसको देख के बच्चे भी डर जाए। सो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये प्योरली एक फन मूवी है, ये प्योरली किड मूवी है। मूवी में शॉकिंगली निकोला टेस्ला के आइडिया को लेकर स्लैपी पूरे शहर को अपने कब्जे में करना चाहता है, और ये चीज पूरी नई थी, और मूवी की यही बात अच्छी लगी कि बड़ी खूबसूरती से निकोला टेस्ला के आइडिया को पहले सोनी क्विन से जोड़ा गया और फिर उसी आइडिया को स्लैपी यूज करते हैं ताकि वो सभी लोगों पर कब्जा जमा सके। एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी थी इस मूवी की वो है इन सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग। लगभग सभी कैरेक्टर्स ने काफी लाजवाब एक्टिंग की है, एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो कैरेक्टर में नहीं है या फिर वो उस रोल को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। सैरा क्विन, कैथी क्विन, सोनी क्विन, ऑलमोस्ट सभी की एक्टिंग, उनका ह्यूमर का अंदाज पिच परफेक्ट था। मूवी में शॉट वक्त के लिए ही सही, बट आरल स्टाइन का किरदार निभाने वाले जैक ब्लैक भी हमें देखने को मिलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मूवी में इनका गेस्ट अपीयरेंस था, बट जितना भी अपीयरेंस था ह्यूमर से भरा था। मूवी में कैन जोंग भी देखने को मिलते हैं हमें, बट अनफॉर्चुनेटली जितना आपने इनको ट्रेलर में देखा उतनी ही एक्टिंग इनकी मूवी में भी थी। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि क्यों इनके अच्छे फनी कैरेक्टर को मूवी में डालने के बाद भी उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया गया। आई मीन इनको एक या दो मिनट और स्क्रीन टाइम देकर मूवी को और भी अच्छा कॉमेडी भरा बनाया जा सकता था। इन शॉर्ट ये एक डिसेंट एडवेंचरस मूवी थी विद सम वेरी गुड स्पेशल इफेक्ट्स, डिसेंट ह्यूमर्स, डिसेंट कॉमेडी, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा कुछ भी और नहीं है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इस मूवी के बारे में। सो अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसको देखकर आप एंजॉय भी कर सके विदाउट गेटिंग बोर्ड,
So this is the movie to watch. But again, do not expect something different, something new from this movie as compared to its previous movie. So in sabhi cheezon ko dhyan mein rakhte hue, main is movie ko rate karunga 6.5 out of 10. तो ये था हमारा रिव्यू मूवी Goosebumps 2 हॉन्टेड हैलोवीन का. आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे.